बात कर लेती, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये बात कर लेती। इसी तरीके से ये जो है वो जहेज विरासत और ख्वातीन की तालीम के हवाले, वो सिर्फ अपने कपड़ों को छोटा करने की इजाज़त मांग रही। तालबात कपड़ों के छोटा होने से शुरू हो, कब्र के अंदर चित्तर आप लोगों को पड़ेंगे उससे आप लोगों की इमारतों के मलबे के ढेर पर बैठी अपने मासले से लेस हैं और मॉडर्न वेपन्स उनके जज्बे के साथ पत्थर मारती हुई आपको नजर आएगी कि जिसे ये पत्थर ना हो बल्कि ये कोई बारूद से भरा हुआ पर्दा है जो उसका हिजाब। वुमेन का नारा लगाने वाली ये फेमिनिस्ट खवातीन पैदा भी मुजाहिद करती है। 8 मार्च को ख्वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। इस ख्वातीन के आलमी दिन को पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ख्वातीन सेलिब्रेट करती हैं, इसे मनाती हैं। गुज़िश्ता 6-7 सालों से हमने देखा कि इस वुमेन डे के मौके पर इसको मिसयूज़ करने का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दिया गया और पाकिस्तान में आवारा बदचलन बेहया ख्वातीन को मुख्तलिफ स्लोगन्स देकर गैर मुल्की एनजीओस की फंडिंग पर यहाँ पर आवारा तरीके से छोड़ दिया गया और पाकिस्तान के हर बड़े छोटे शहर के अंदर 8 मार्च औरत आज़ादी के नाम से मुख्तलिफ मार्चिस निकाले जाते हैं जिनमें दर्जनों ख्वातीन होती हैं और उन ख्वातीन के हाथों में जो स्लोगन्स होते हैं, जो वर्डिंग होती है, वो कोई भी गैरतमंद मर्द तो क्या बल्कि ख्वातीन खुद इससे जो है वो मुतासिर हैं और उससे शदीद इस्तराब का शिकार हैं कि जी हम औरत हैं और हम औरतों की ये डेफिनेशन नहीं थी जो इन औरत आज़ादी मार्च वाली लिबरल और सेकुलर आंटियों ने हमारी डेफिनेशन को सड़कों पे किया है। दोस्तों चलते हैं हम कि पाकिस्तान के अंदर ये औरत आज़ादी मार्च वाली जो आंटियां हैं इनके मकासद है क्या। हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि यार इनके क्या मुतालबात हैं, क्या वाकई ये ख्वातीन के मुतालबात की बात कर रही हैं या ये महज जो है वो बैरूनी एजेंडा है जिसकी तकमील के लिए पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जब हम इसकी डीप में इसकी डिटेल के अंदर गए तो हमें मालूम हुआ कि इनके हाथों में जो पोस्टर्स जो बैनर्स पकड़े हुए हैं उन पर दर्ज इबारतें जो स्लोगन्स हैं वर्डिंग हैं वो कोई मुतालबा नहीं है। हमने देखा चले ये अगर बात कर लेती डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये बात कर लेती, इसी तरीके से ये जो है वो जहेज विरासत और ख्वातीन की तालीम के हवाले से ये बात कर लेती, मुतालबात को सामने लेकर आती, तो हम समझते कि जी बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से जो है वो कवानीन के अंदर तरमीम करने की भी ज़रूरत है और ये इन ख्वातीन के मुतालबात हैं। लेकिन इस औरत आज़ादी मार्च की डीपली स्टडी कर लेने के बाद ये बात हमको पता चल गई और हमारे सामने आया हो गई बिल्कुल खुलकर कि इस औरत मार्च में निकलने वाली ख्वातीन और आंटियां वो सिर्फ अपने कपड़ों को छोटा करने की इजाज़त मांग रही हैं। वो छोटे कपड़ों के साथ पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के साथ घूमना चाहती हैं, उस पाकिस्तान के अंदर के जिसे कलमे के नाम पर हासिल किया गया। अब ये चाहती हैं कि हम बरहाना होकर यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के चौकों पे, यहाँ के चौराहों पर घूमें और बाकायदा इसके लिए मगरबी ममालिक इन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए जो है वो इससे पहले आज़ादी मार्च से पहले ही प्लानिंग्स होती हैं, इनके लिए फ़ंड मुकर्रर किए जाते हैं, इस हवाले से सेमिनार्स और कन्वेंशन होते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद ख्वातीन की जहन साजी करनी है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी है। इनके मुतालबात कपड़ों के छोटा होने से शुरू होकर कपड़ों के छोटा होने पर ही ख़त्म हो रहे हैं। औरत मार्चिस के अंदर मर्दों से नफरत जो है वो सिखाई जा रही है ख्वातीन को, अपनी नज़रों को नीचा रखो मैं जैसे भी कपड़े पहनूं, यानी कि ख्वातीन जो है वो मर्दों को मुखातिब करके कह रही हैं कि अपनी नज़रों को आप नीचे रख लें और हम जैसे चाहे मर्जी कपड़े पहन लें, पहने ना पहने, छोटा लिबास पहने, बड़ा लिबास पहने, तंग लिबास पहने, हम जो भी करें मादर पिदर आज़ाद होकर, लेकिन आप अपनी नज़रों को नीचे रखें। ठीक है मर्द अपनी नज़रों को नीचे रख लेंगे लेकिन जो कब्र के अंदर चित्तर आप लोगों को पड़ेंगे उससे आप लोगों को कोई भी नहीं बचा सकेगा। अब इसी औरत का ये जो मैंने आपको औरत की एक मंजर कशी की के 8 मार्च को निकलने वाली जो आज़ादी की अलमबरदार ख्वातीन हैं उनका नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया। अब मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल
इस औरत के अपोजिट है जिसकी सोच, जिसका फलसफा, जिसका नज़रिया, जिसकी जो है वो माशरे में रहने की जो तर्ज अमल है ज़िंदगी गुजारने का, वो इन ख़वातीन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी हाँ, ऐसी औरतें भी हमने देखी कि जो टूटी हुई इमारतों के मलबे के ढेर पर बैठी अपने मासूम बच्चे को प्यार कर रही है। जी हाँ, ये फेमिनिस्ट नहीं है, ये फलस्तीन की औरत है। इसी औरत को जब आप देखेंगे तो कभी ये मस्जिद अक्सा के सहन में आपको कुरान पाक की तिलावत करती हुई नज़र आएगी। इसी औरत को आप जब देखेंगे तो वो अपने भाई, बाप, शोहर या बेटे के जनाजे के ऊपर आंसू बहाती हुई आपको नज़र आएगी। ये फलस्तीन की औरत है, ये फेमिनिस्ट नहीं है। जब इस औरत को आप देखेंगे, ये सीना सिपर होकर यहूदी गासिब फौजी के जो असले से लेस हैं और मॉडर्न वेपन्स उनके पास हैं, उनका मुकाबला करते हुए भी ये फलस्तीन की औरत आपको नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये फेमिनिस्ट नहीं है, ये 8 मार्च को निकलने वाली औरतों की तरह की औरत बिल्कुल भी नहीं है। जब इस फलस्तीन की औरत को हम देखेंगे, ये हाथ में पत्थर लिए यहूदी फौजियों को इस जज्बे के साथ पत्थर मारती हुई आपको नजर आएगी कि जिसे ये पत्थर ना हो बल्कि ये कोई बारूद से भरा हुआ बम हो, इसके जज्बों में वो सदाकत टपकती हुई हम लोगों को बाकायदा तौर पर नजर आ जाती है। और इस हालत में भी कि जब वो यहूदी फौजियों के ऊपर पत्थर फेंक रही है, इस हालत के अंदर भी हम देखेंगे कि उसका जो पर्दा है, जो उसका हिजाब है, वो आपको खुलता हुआ नजर नहीं आएगा और वो उस मौके के ऊपर भी बापर्दा नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग वुमेन का नारा लगाने वाली ये फेमिनिस्ट खवातीन, के इनको जाके कोई समझाए कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन, मजबूत खवातीन देखनी है तो आप फलस्तीन के अंदर जाकर देखें कि फलस्तीन में मौजूद खवातीन जब चारों तरफ से इसराइली दरिंदों की तरफ से मिजाइल बरसाए जाते हैं तो उस आग के अंदर भी ये फलस्तीन की जो हमारी बहन है या ये माँ है, वो अपने हिजाब पर कॉम्प्रोमाइज करती हुई हमें नजर नहीं आती। फेमिनिज्म की लैंग्वेज के अंदर स्ट्रॉन्ग वूमेन उसे कहा जाता है कि जो कपड़े उतार कर मुख्तलिफ स्लोगन्स लेकर सड़कों पर आए, चौकों पर आए, चौराहों पर आए, फहाशी को आम करे, बेहयाई को फैलाए, फेमिनिज्म की लैंग्वेज में उसे स्ट्रॉन्ग वुमेन कहा जाता है। जबकि इस्लाम की डेफिनेशन के अंदर आपको ये जो सारी चीज़ें दिखाई गई कि फलस्तीन की बहन, फलस्तीन की माँ स्ट्रॉन्ग वुमेन का किरदार अदा कर रही है, ये पैदा भी मुजाहिद करती है, वो मुजाहिद के जो इसराइली गासिब यहूदी फौजियों के सामने सीना सिपर होकर खड़े होते हैं। अब औरत की ये डेफिनेशन भी आपने देखी कि जो फलस्तीन में एक औरत किरदार अदा कर रही है और वो डट कर उन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर रही है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इन्हीं ममालिक की जानिब से फलस्तीन के अंदर भी लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म और इसी तरीके से फहाशी और बेहयाई को फैलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी फलस्तीन की माँ और फलस्तीन की बहन ने पर्दे को नहीं छोड़ा और वो अपने जो है वो बदन को ढांपने से बाज नहीं आई। जुल्म की उसके ऊपर जो है वो तारीख को रकम कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बाहया खातून बनकर माशरे में सामने आई है। ऐसा इसलिए हुआ कि फलस्तीन की खवातीन ने उन फेमिनिस्ट औरतों से मुतासिर होने के बजाय हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगियों को अपने लिए मशअल राह बनाया और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया के अंदर जो है नुमाया नज़र आ रही हैं। अब ये फैसला पाकिस्तान में बसने वाली ख़वातीन ने ख़ुद करना है कि आपके सामने ये वीडियो की सूरत के अंदर पूरी मंजरकशी कर दी गई। एक तरफ आपको फ़लस्तीन की औरत का किरदार भी बताया गया और दूसरी जानिब उन फेमिनिस्ट, उन मगरिब से मुतासिर होने वाली ख़वातीन का भी जो है वो
पूरा करैक्टर बताया गया। अब फैसला पाकिस्तान की ख्वातीन ने करना है कि उन्होंने मुल्क को किस किस्म के बच्चे देने हैं, उन्होंने अपनी किस अंदाज़ में जो है वो तरबियत करनी है, किस अंदाज़ में जो है वो अपने ईमान की फ़िक्र करनी है, और कैसे पाक दामन रहते हुए मुल्क और कौम को ऐसे मुजाहिद देने हैं कि जो आने वाले वक्तों में फितनों का मुकाबला कर सकें, फितनों का कला कमा कर सकें, फितनों का गला घोंट सकें। उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर सी वीडियो, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बताई गई कि किस अंदाज़ में जो है वो फ़लस्तीन की बहन, फ़लस्तीन की माँ किरदार अदा कर रही है, और किस तरीके से फेमिनिस्ट ख्वातीन जो हैं वो मुस्लिम आबादियों के अंदर मुसलमान औरतों को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप समझते हैं कि ये बातें हकीकत पर मबनी हैं, तो इसे आपने अपने आप तक महदूद नहीं रखना, बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ़ इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।